दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जो कि दरसी कुतुब में भी नहीं मिलती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार दुनिया के इन सफ़े अव्वल के कायदीन में होता है जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से एक कौम को एक अलहदा वतन का मालिक बना डाला। 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि दूसरी अक़वाम के अफराद ने भी तस्लीम किया और सराहा। आज हम आपको कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी मालूमात के बारे में बताएंगे जो कि इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, तो आइए वो मालूमात जानते हैं। कायद-ए-आज़म फैशन के दिलदादा थे। कायद-ए-आज़म को सारी ज़िंदगी हमेशा बेहतरीन लिबास में देखा गया। कायद-ए-आज़म का बेदाग लिबास हमेशा फैशन के मुताबिक होता था और इसका कपड़ा और सिलाई भी अपने वक्त के बेहतरीन तरीन दर्जी से करवाई जाती थी। इनके पास 200 से ज़्यादा सूट और लातादार टाइयाँ थीं। 1896 में कायद-ए-आज़म ने लंदन से वकालत की तालीम मुकम्मल की और इस मौका पर इनका शुमार कम उम्र तरीन मुसलमानों में होता था जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में लंदन में वकालत का इम्तहान पास किया। कायद-ए-आज़म लंदन में दौरान तलीम शेक्सपियर के स्टेज ड्रामा में रोमियो का किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद थे और इसके लिए उन्होंने वहाँ नौकरी भी इख्तियार कर ली थी और अपने वालिद को ख़त लिखकर इजाज़त भी मांग ली थी। इनके नज़दीक वकालत एक गैर यकीनी पेशा थी जिसमें कामयाबी गैर हतमी होती थी, जबकि इसके मुकाबले में एक्टिंग एक दिलचस्प और फ़ायदेमंद काम था। ख़त के जवाब में कायद-ए-आज़म के वालिद ने इन्हें एक तवील ख़त लिखकर इस काम से मना किया था और वालिद की नसीहत की रोशनी में उन्होंने अदाकारी छोड़कर वकालत का ही फैसला किया। कायद-ए-आज़म का शुमार बरसगीर के जाने माने वकला में होता था जिसकी वजह से वो भारी मुआवजे के बदले केस लड़ा करते थे और एक मुकदमे की फ़ीस 1500 रुपये तक लेते थे जो कि आजकल के हिसाब से लाखों रुपये बनते हैं। मगर यही कायद-ए-आज़म जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपनी तनख्वाह बहैसियत गवर्नर जनरल सिर्फ 1 रुपया महाना मुकर्रर की। इस बात पर किसी ने भी गौर नहीं किया होगा कि कायद-ए-आज़म की योम पैदाइश 25 दिसंबर, योम वफात 11 सितंबर और पाकिस्तान की योम आज़ादी 14 अगस्त हमेशा हर साल के कैलेंडर में ये तीनों तारीखें एक ही दिन आते हैं, जैसे कि 2021 में ये तीनों तारीखें हफ्ते के दिन आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।